जय हिंद एवरीवन। आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होगा, अभी SSCD का सिर्फ रिजल्ट निकला हुआ है। जितने लोगों का रिजल्ट निकला है, जितने लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया है ना, अभी वो लोग ट्रेनिंग में नहीं गए हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब SSCD की दोबारा नई भर्ती निकलने वाली है और 80,000 से अधिक वैकेंसी निकलने वाली है और बहुत अच्छे अच्छे लोग बोल रहे हैं। हमसे भी हमारे कुछ साथी पूछे थे कि नीलेश भाई, आप SSCD के ऊपर वीडियो नहीं बनाते हो, SSCD की नई भर्ती निकलने वाली है, इसके बारे में आप कुछ बताओ। तो भाई मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बताऊंगा, इतना मैं आप लोगों को बता दूंगा कि SSCD की जब भी भर्ती निकलेगी ना, तो उसका ऑनलाइन 10 पास होगा। अब आप लोगों को ये तो पता ही रहता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है। SSCD में बहुत सारा पोस्ट आता है, BSF आता है, CRPF आता है, ITBP आता है, आसाम राइफल आता है, SSV आता है, CISF आता है, SSF आता है। तो इस तरह से SSCD में बहुत सारा पोस्ट आता है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है, बताया जा रहा है कि 80,000 निकलने वाली है, तो कब निकलने वाली है, किस महीने से इसका ऑनलाइन चालू होगा, ये किसी को भी कुछ पता नहीं है। मैं आप लोगों को एक बात रियल बता रहा हूं, किसी किसी को ये बात बुरा भी लग सकता है। देखो मैं भी YouTube पर वीडियो बनाता हूं, लेकिन मैं जो भी वीडियो बनाता हूं ना, जैसे मतलब पूरा का पूरा जानकारी इकट्ठा करता हूं, कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखता हूं या उस विभाग के लोगों से कुछ जानकारी इकट्ठा करता हूं, तब आप लोगों को वो बात बताता हूं। लेकिन मैं देख रहा हूं जो बहुत बहुत बड़े कोचिंग सेंटर वाले हैं ना, मतलब वो लोग लाखों करोड़ों में पैसा कमाते हैं, अभी SSCD की भर्ती समाप्त तो नहीं हुई है, अभी एगो का रिजल्ट निकला है, वो लोग नया बैच चालू कर दिया है। मैं ये नहीं बोला कि नया बैच ना चालू करें, नया बैच चालू करें, लेकिन ये जो बोल रहा है कि 80,000 वैकेंसी निकलने वाली है, 90,000 वैकेंसी निकलने वाली है, कहाँ निकलने वाली है, हमको नोटिफिकेशन दिखा दो। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं ना जो लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में पड़ जा रहे हैं इसको लेकर। देखो मैं भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया, मैं सोचा यार 80,000 तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती है, 80,000 तो कभी वैकेंसी निकाला नहीं गया था, तो फिर इस बार SSCD की 80,000 कहां निकलने वाली है। इतना ज्यादा नोटिफिकेशन खोजने का प्रयास किया, मैं सोचा किसी न्यूज़पेपर में मिलेगा, कहीं ना कहीं तो मतलब जैसे न्यूज द्वारा बताया गया होगा या ऑफिशियल नोटिस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि बात सीधा सीधा है, जो लोग मतलब बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर वाले हैं ना, पैसा कमाने के लिए SSCD का नया बैच चालू कर दिया है, देखते परेशान हो गया हूँ, तब मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को देखा हूँ जो आज करोड़ों में मतलब हैं, और वो लोग बोल रहे हैं कि 80,000 वैकेंसी निकल गई, न्यू बैच चालू हो गया, 1,00,000 फीस है, 60,000 रुपया फीस है, 70,000 रुपया फीस है। तो मुझे थोड़ा ऐसा भी लगा यार, मतलब गरीब फैमिली से लड़के रहते हैं सब, अभी से मतलब वो लोग बोल रहे हैं इतना भर्ती निकल गया, उतना भर्ती निकल गया, तैयारी करेंगे सब, आगे चुनाव आने वाला है, यूपी पुलिस की भर्ती रोक कर रखे हैं सब, मेस की भर्ती नहीं निकाली गई है, IRB की भर्ती नहीं अभी आई है, अभी आसाम राइफल का तो नोटिफिकेशन निकल जाएगा, आसाम राइफल का कोई दिक्कत नहीं है, तो इतना भर्तियां रोक कर रखे हैं सब। एक तो बोला जा रहा था कि CRPF का 1,29,000 वैकेंसी निकलने वाला है, और CRPF का अभी तक कुछ पता ठिकाना नहीं चला। 1,29,000 का मतलब समझ रहे हो, हमको तो लगता है कि कोई भूत हमको बताया कि 1,29,000 भर्ती निकलने वाला, रियल बता रहा हूँ, हमको ऐसा लगता है कि कोई भूत चुड़ैल बताया, हवा फैलाया है, हमको विश्वास ही नहीं होता कि 1,29,000 वैकेंसी निकाला जा सकता है। लेकिन भाई एक न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया है, और वो ऐसा न्यूज़पेपर है उसमें झूठ नहीं बोला जा सकता है। तो अभी हम लोग उसी दुनिया में जी रहे हैं, अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है, आगे जो चुनाव आने वाला है ना, हो सकता है कि चुनाव आने से कुछ दिन पहले ये पूरा भर्ती निकाल दें सब, ताकि लोग खुश हो जाएं कि भाई सरकार तो बहुत ज़्यादा भर्ती निकाल रही है, और सरकार को खुश करने के लिए अपना अपना वोट सरकार को दे दें। अगर मैं आप लोग को रियल बता रहा हूँ, अगर चुनाव से पहले SSCD की भर्ती नहीं आई तो SSCD की भर्ती सपना बन जाएगा, आप लोग देख लेना, क्योंकि इस बार पूरा चाप के भर्ती लिया है सब। तो मैं आप लोग से सिर्फ यही कहना चाहूंगा, अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है और आप दूसरे को देखकर आपके मन में इच्छा हो रहा है कि यार वो तो वहां पर पढ़ने जा रहा है, वहां पर इतना ज्यादा फीस है, और SSCD का नया भर्ती आ रहा है, इस बार इतना वैकेंसी आ रहा है, अगर मैं भी चला जाऊंगा तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, तो अपना खेत वेत बेचवा के चले नहीं जाना, ठीक है ना। देखो तैयारी करो, लेकिन अभी घर ही से तैयारी करो, SSCD की भर्ती निकलेगी ना तो भाई 2 महीना पहले आप लोगों को क्लियर पता चल जाएगा। और SSCD भर्ती से पहले MES मेस की भर्ती निकलने वाली है, यूपी पुलिस की भर्ती निकलने वाली है, उसके बाद से IRB की भर्ती निकलने वाली है, आसाम राइफल की भर्ती निकलने वाली है, तो पहले इन सब चीजों पर आप लोग तैयारी करो। अभी तो SSCD का रिजल्ट निकला है, तो वो लोग ट्रेनिंग व्रेनिंग में जाएंगे, तब जाकर कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग भरम में ना रहो, और उन लोगों के लिए मैं क्या बोलूं
जो लोग कोचिंग चलाने के लिए बोल रहे हैं कि नया बैच चालू हो गया है, इतना रुपया लाख रुपया फीस है, वो लोग तो सिर्फ बोल देते हैं लाख रुपया फीस है, लेकिन लाख रुपया कैसे इकट्ठा करना है ये सिर्फ उसी को पता रहता है जो एक पुअर फैमिली से फौज की तैयारी करता है, उन लोगों को क्या पता रहता है। तो इन सब बातों पर आप लोग ध्यान ना दो, ठीक है ना। मुझे भी बुरा लगता है तब ऐसा वीडियो बनाता हूँ भाई। आप लोग बोलोगे यार आप भी तो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो। हाँ मैं बनाता हूँ, लेकिन ऐसा वीडियो बनाता हूँ जिससे आप लोगों को कुछ सीख मिलता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग किसी बात को लेकर परेशान ना रहो। जय हिंद।